देश में चुनावी बिगुल बजने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। उनका बजट भाषण संसद में सुबह 11 बजे शुरू होगा। उनका भाषण चुनाव पर फोकस होने के साथ साथ देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता तय करने वाला होगा, ऐसी आशा की जा रही है। मोदी सरकार ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए बजट में सरकार के युवाओं को रोजगार, गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण, किसानों की आय बेहतर करने और महिलाओं के सम्मान पर ध्यान देने की उम्मीद है। जी, आने वाले इस केंद्र सरकार के आखिरी बजट से हम युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, आजकल इंडस्ट्रीज हो या एमएनसीज हो या फिर कोई भी जॉब सेक्टर हो, उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। परंतु इन चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग हर विद्यार्थी को दी नहीं जाती, हर सेक्टर के विद्यार्थियों को नहीं दी जाती है। पारंपरिक कोर्स BSc, MSc वगैरह ये जो चल रहे हैं, BA, BCom, इन ये बस यही रेगुलर कोर्स चल रहे हैं और विद्यार्थी भी ज़्यादातर यही कोर्स कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में यही कोर्स उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के पास अभी तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग ये चीज़ें होती क्या, इनका नॉलेज अभी तक उन्हें मिला भी नहीं है। तो मेरी केंद्र सरकार से यही आशा है, करता हूं कि नए बजट में वो इन कोर्सेज को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर इन कोर्सेज के ट्रेनिंग ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उन्हें इन चीज़ों से जोड़ें ताकि हमारा देश आगे उन्नति कर सके। दूसरे चीज़, मैं रेल बजट से भी ये आशा करता हूं कि रेलवे में जैसा कि देखा जा रहा था, पहले किराया जो होता था रेलवे का कम होता था, विद्यार्थी अप डाउन करना ईजी होता था उनके लिए, हर ट्रेन में जनरल कोचेज भी ज़्यादा होते थे, मगर आजकल देखा जाता है स्लीपर, थर्ड AC ये कोच ज़्यादा होते हैं, जनरल के 2-4 डिब्बे हर ट्रेनों में होते हैं बस। तो मैं आशा करता हूँ सरकार से कि रेलवे के जो टिकट हैं उनके दर भी कम करें और जनरल कोचेस को ट्रेनों में बढ़ाएं। धन्यवाद। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो हमारे भारत देश में है, और ऐसे में हमारे देश के जो युवा हैं वो बेरोजगार रहेंगे तो हमारा देश विकसित दिशा में आगे बढ़ने की बजाय और पिछड़ता जा रहा है। तो होना ये चाहिए कि सरकार को युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, हर क्षेत्र में, हर शहर में नई कंपनी और फैक्ट्री खुलवाने चाहिए जिससे जो युवा है हमारे देश के वो रोज़गार प्राप्त कर सके, उन्हें रोज़गार के नए संसाधन मिल सके और हमारे देश का हर युवा देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। केंद्र सरकार अपना बजट जारी कर रही है, उस बजट में केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि जितने भी सेक्टर में वो बजट को लेकर कि हमें किस फील्ड में कितना बजट जारी कर रहे हैं, तो जो योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बताते हैं कि हमें जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गई, जितने भी है सेक्टर उनका जो बजट जारी करती है, तो उस बजट में गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम जो बजट जारी कर रहे हैं उनमें योजनाएं ना उनको लागू करके, ऐसा नहीं कि हमने लागू कर दिया करके उनके ऊपर आप जितनी भी कंडीशन है सब कुछ अप्लाई करके उनका लाभ मिलना चाहिए लोगों। एग्रीकल्चर फील्ड में तो किसानों को जो आप योजनाएं लागू कर रहे हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। एजुकेशन लाइन में अगर आप कोई योजनाएं लागू कर रहे हैं तो स्टूडेंटों को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स जो जितने प्लेयर हैं उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। कुल मिला की बात यह है कि जो चीज़ें आप लागू कर रहे हैं, जो योजनाएं आप बना रहे हैं, उनका हर सेक्टर में जो लोग हैं उनको प्रॉपर रूप से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने योजनाएं लागू कर दी और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, गुमराह न करके उनको इन योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़े, और ये जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं जिसके चक्कर में आजकल महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं, उनके लिए उनको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस अवेलेबल करवानी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना रक्षा कर सके और गलत काम होने से उसके लिए लड़ सके, और उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराने चाहिए घर बैठे, जो घर बैठे वो उद्योग कर सके और अपने लिए खर्चा निकाल सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। थैंक यू। और सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़े, और ये जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं जिसके चक्कर में आजकल महिलाएं घर